नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। एस्टोनिया $200 मिलियन के डील में यूएस से रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम खरीदेगा। नाटो सदस्य और रूस के पड़ोसी एस्टोनिया बाल्टिक देश की अब तक की सबसे बड़ी हथियार खरीद परियोजना में एक उन्नत अमेरिकी रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम प्राप्त करके अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ा रहा है। पैकेज में 700 से 300 किलोमीटर की रेंज वाले हिमार्स रॉकेट्स शामिल है। मालदोवा ने नए ऊर्जा सौदे पर हस्ताक्षर किए जो ब्लैकआउट जोखिम को कम कर सकते हैं। मालदोवा ने एक गंभीर शीतकालीन ऊर्जा संकट के बीच अधिक बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट के जोखिम को कम करने के लिए ट्रांसनेस्ट्रिया के अपने मॉस्को समर्पित क्षेत्र से बिजली की आपूर्ति को नवीनीकृत करने के लिए एक सौदा किया। रूस ने अपने तेल पर $60 प्रति बैरल कैप को खारिज कर दिया, कट ऑफ की चेतावनी दी। रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन के पश्चिमी समर्थकों द्वारा निर्धारित देश के तेल पर मूल्य सीमा को खारिज कर दिया और शनिवार को धमकी दी कि वे उन देशों की आपूर्ति बंद कर दें जो इसका समर्थन करते हैं। अल साल्वाडोर शहर को सील करने के लिए 10,000 पुलिस सैनिकों को भेजा। अल साल्वाडोर की सरकार ने गिरोह के सदस्यों की तलाश के लिए शनिवार को देश की राजधानी के बाहर इलाके में एक शहर को सील करने के लिए 10,000 सैनिकों और पुलिस बल भेजे। वेनेजुएला और शेवरॉन कराकस में तेल अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। वेनेजुएला सरकार और अमेरिकी तेल कंपनी शेवरॉन ने वेनेजुएला में परिचालन फिर से शुरू करने के लिए शुक्रवार को कराकस में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। चीन के शहरों में भारी मात्रा में कोविड लॉकडाउन बिलों का भुगतान करने के लिए नकदी खत्म हो रही है। पेंटागन ने चीन का मुकाबला करने के लिए 30 से अधिक वर्षों में पहले रणनीतिक बम वर्षक का अनावरण किया। पेंटागन ने शुक्रवार को 30 से अधिक वर्षों में अपने पहले नए रणनीतिक बम वर्षक का अनावरण किया। एक परमाणु सूक्ष्म बैट विंग विमान जो 2027 के आसपास सेवा में प्रवेश करने पर चीन के सैन्य निर्माण का मुकाबला करने के अमेरिकी प्रयास का एक केंद्रीय घटक बन जाएगा। विश्व कप 2022, लियोनेल मेसी ने किया स्कोर। अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया। लियोनेल मेसी ने विश्व कप के नॉकआउट चरण में अपने पहले गोल के साथ 1000वें पेशेवर खेल को चिन्हित किया, जिससे अर्जेंटीना ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया पर 2-1 से जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत के ओयो ने व्यापक पुनर्गठन के हिस्से के रूप में 600 कर्मचारियों की छटनी की। सॉफ्टबैंक समर्थित भारतीय होटल एग्रीगेटर ओयो होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि वह अपने कॉरपोरेट और प्रौद्योगिकी विभागों में 600 नौकरियों में कटौती की। चीन की धमकी के बीच जापान ओकिनावा स्थित ग्राउंड फोर्स यूनिट का विस्तार करेगा। जापान दूरस्थ दक्षिण पश्चिमी द्वीपों की रक्षा के लिए ओकिनावा स्थित ग्राउंड फोर्स यूनिट का विस्तार करने और चीन की बढ़ती मुखरता के सामने ताइवान को शामिल करने के लिए तैयार करने पर विचार कर रहा है। भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच अभी भी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP साल दर साल 6.3% बढ़ा। फ्रांस में मुद्रास्फीति ऐतिहासिक उच्च स्तर पर बनी हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक रिसर्च INSEE ने बुधवार को बताया कि अर्थशास्त्रियों की उम्मीदों को खोखला बताते हुए नवंबर में फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड मुद्रास्फीति की बाधा बनी रही। इसी के साथ आज के मुख्य सुर्खियों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं ताजा सुर्खियों के साथ। धन्यवाद।